आज का वीडियो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, बेदाग बना सकते हैं, स्पॉट फ्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे ब्लैक एंड वाइट हेड्स हैं तो वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन भी चमक उठेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पिंक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक छोटे साइज का पोटैटो। हमको बड़े साइज का आलू नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही आलू का रस चाहिए होगा, तो इसलिए हम छोटे साइज का पोटैटो इस्तेमाल करेंगे। इसको छील लीजिए, इसके छिलका निकाल दीजिए। इसके बाद हम इसको एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर में डाल के पीस भी सकते हैं। हमको चाहिए होगा पोटैटो का जूस। पोटैटो का जूस हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है, साथ ही साथ में स्किन के पुराने से पुराने दाग धब्बों को भी हटा देता है। तो इस तरह से ये हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद में हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसकी मदद से चम्मच से प्रेस कर करके इसका जूस निकाल लेंगे। लगभग 2 चम्मच हमको चाहिए होगा पोटैटो का जूस। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है लेमन। हमको यहाँ पे आधे लेमन का इस्तेमाल करना होगा, पूरा का पूरा लेमन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 चम्मच ले रही हूँ लेमन जूस को और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर की वजह से ही ये पील ऑफ मास्क बन जाएगा। अगर आपको जेलेटिन पाउडर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे ये ऑरेंज पील ऑफ मास्क का जो पाउच आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑरेंज पील ऑफ मास्क और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसके अंदर पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब ये जो ऑरेंज पील ऑफ मास्क है इसको हम कट करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जो हमने आलू नींबू एलोवेरा का जो रस निकाल के तैयार किया था उसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसका एक पाउच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये जो पैक बन के तैयार होगा ये हमारे स्किन से दाग धब्बों को बहुत जल्दी से हटा देता है, आसानी से हटा देता है। इसके साथ स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को पिगमेंटेशन फ्री कर देता है। अब ये हमारी स्किन पे लगाने के लिए एकदम से गाढ़ा सा घोल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको लगा के देख लेते हैं। आपको इसे किसी ब्रश की मदद से या फिर अपने हाथों से लगा लेना होगा। अपने फेस पर इसकी अच्छी सी लेयर लगा लीजिए। आपको इसकी एक अच्छी सी मोटी सी लेयर लगानी होगी क्योंकि जब हम पतली लेयर लगाते हैं और इसको जब सूखने के बाद में हटाते हैं तो उसको बहुत मुश्किल से हटती है और बीच में से टूटती रहती है, और जब मोटी लेयर लगाते हैं तो वो काफ़ी आसानी से निकल जाती है। और पतली लेयर जब होती है तो जब हम उसे हटाते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी खींचती भी है क्योंकि रोएँ उसके साथ में खींचने लगते हैं, और मोटी लेयर आसानी से निकल जाती है जिससे कि हमारे बाल खींचते नहीं हैं। जो फेशियल हेयर होते हैं छोटे छोटे से वो इसके अंदर खींच के नहीं आते हैं मोटी लेयर होने से। तो ये लगने के बाद में अच्छे से सूख गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसको खींच के निकाल देते हैं। इसको अपनी स्किन से हटा देने के बाद में आप इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। उसके बाद में कोकोनट ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई जरूर कर लें। ऐसा अगर आप हफ्ते में 3 बार करते हैं तो आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाएगी, स्पॉट फ्री हो जाएगी। साथ ही साथ में इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।